कहानी की शुरुआत में हम वेंसडे एडम्स नाम की एक लड़की को देखते हैं और जब वो अपने लॉकर को खुलती है तो उसे वहाँ पर अपना भाई बंधा हुआ दिखता है। जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है तब उसे कुछ विजन दिखाई देने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि किसने उसके भाई के साथ ऐसा किया था। इससे हम जान पाते हैं कि वेंसडे के पास स्पेशल शक्तियाँ हैं, इसीलिए वो सीधा वहाँ से उन लड़कों के पास जाती है जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, और वहाँ पर जाकर स्विमिंग पूल में खतरनाक पिराना को छोड़ देती है। सारे बच्चे तो बच जाते हैं लेकिन एक बच्चा फंस जाता है और पिराना उस पर हमला कर देता है। उसकी इस हरकत के वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, और यह पहली बार नहीं था। उसकी इन हरकतों की वजह से उसे पहले भी बहुत सारे स्कूल से निकाला जा चुका है, इसीलिए वेंसडे के माता पिता उसे एक स्पेशल एकेडमी में ले जाते हैं और इस एकेडमी का नाम होता है नेवमो। यहाँ पर आउटकास्ट बच्चे जिनके पास स्पेशल शक्तियाँ होती है पढ़ाई करते हैं। वेंसडे का परिवार एडम्स फैमिली नाम से भी बहुत मशहूर है। फिर हम नेवमो के जंगलों को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का वहाँ पर हाइकिंग करने आया था। वो जंगल के अंदर जाकर चाय पीने लगता है, तभी कोई चीज उस पर हमला करके उसे मार देती है। वेंसडे का परिवार नेवमो एकेडमी पहुंच जाता है। ये प्रिंसिपल वेंसडे के माता पिता की अच्छी दोस्त होती है क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई साथ में पूरी की थी। फिर प्रिंसिपल वेंसडे को उसके कमरे में ले जाती है जहां पर वो उसकी रूममेट इनिट से मिलती है, और उसने उस कमरे को बहुत ही कलरफुल तरीके से सजाया था, लेकिन वेंसडे कहती है कि उसे सिर्फ काला रंग ही पसंद है। इनिट वेंसडे के चेहरे की एक्सप्रेशन को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वेंसडे के डैड बोलते हैं कि यह एक जिंदा लाश की तरह ही दिखती है। फिर वेंसडे के मॉम डैड वहां से जाने लगते हैं, तभी उसकी मॉम उसे एक लॉकेट गिफ्ट करके वहां से चले जाती है। वहां से जाते वक्त वेंसडे के डैड वहां पर एक हाथ को छोड़ देते हैं जिसका नाम थिंग होता है। तब नेवमो के पुलिस को उस हाइकर के बॉडी पार्ट्स जंगल में मिलते हैं, और पुलिस चीफ कहता है ये पहली बार नहीं है, बीते कुछ हफ्तों में ये तीसरा मर्डर है। फिर हम देखते हैं कि शाम के समय वेंसडे कहीं तो जा रही थी, तब वह हाथ वेंसडे को देख रहा था। तभी वेंसडे के ऊपर एक बड़ी सी मूर्ति गिरने वाली थी, लेकिन वक्त रहते जेवियर नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है। इस बीच वेंसडे बेहोश हो जाती है, और होश में आने पर वो जेवियर से कहती है कि मुझसे तुम यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें धन्यवाद करूंगी क्योंकि तुमने मेरी मौत को टाल दिया। फिर हम देखते हैं कि वेंसडे अपने रूम में वापस आती है और कुछ टाइप कर रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि उसके बेड के नीचे कुछ है, और कंबल उठाने पर वो उस हाथ को देख लेती है और थिंग को पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता ने तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ड्रॉअर के अंदर बंद कर दूंगी। इसीलिए वो हाथ वेंसडे की बात को मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वेंसडे को एक थेरेपी सेशन के लिए ले जाती है, लेकिन वेंसडे वहाँ से भाग जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है जहाँ पर उसकी मुलाकात टाइलर नाम के एक लड़के से होती है। उस लड़के की कॉफी मशीन खराब हो गई थी, इसीलिए वेंसडे उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मशीन को ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे नेवमो से भागने में मदद करनी होगी, और वो लड़का मान जाता है। फिर वेंसडे उस कॉफी मशीन को ठीक कर देती है। तब वो लड़का कहता है कि मेरे काम की छुट्टी होने पर मैं तुम्हें स्टेशन तक पहुंचा दूंगा, इसीलिए कुछ समय तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। जब वेंसडे रेस्टोरेंट में बैठी थी तब वहाँ पर कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन वो अकेले ही उन सभी को धूल चटा देती है। तभी टायलर के डैड पुलिस चीफ वहाँ पर आ जाते हैं, और टायलर अपने डैड से कहता है कि यह लड़के इस लड़की को परेशान कर रहे थे, इसीलिए मैंने उनको मारा। तभी नेवमो की प्रिंसिपल वहाँ पर आती है और वो पुलिस चीफ को सॉरी कहकर वेंसडे को अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी हम एक लड़के रोवन को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर वहाँ पर एक किताब से एक तस्वीर को फाड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वेंसडे और सारे बच्चे एक मेले में जाते हैं, तभी टायलर आकर वेंसडे से मिलता है और उसे पुलिस रिकॉर्ड्स की एक फाइल गिफ्ट करता है, और वेंसडे टायलर की मदद से वहाँ से भाग रही थी, लेकिन तभी उसकी टक्कर रोवन से होती है। तभी वेंसडे को विजन दिखाई देता है कि रोवन जल्दी ही मर जाएगा। रोवन जंगल की तरफ जा रहा था, इसीलिए वेंसडे भी उसके पीछे भागने लगती है और उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी रोवन वेंसडे पर हमला करता है और उसे आसमान में उड़ाकर पकड़ लेता है और कहता है कि खतरा मेरी जान को नहीं बल्कि तुम्हारी जान को है, और मैं सभी लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ, और कहता है कि उस दिन मूर्ति को मैंने तुम्हारे ऊपर गिराया था। फिर वो वेंसडे को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि यह तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाया था जब वो नेवमो में पढ़ाई कर रही थी, और उन्होंने मरने से पहले मुझे कहा था कि मुझे इस लड़की को रोकना होगा नहीं तो ये लड़की नेवमो के साथ साथ पूरी दुनिया को भी खत्म कर देगी। वो वेंसडे को मारने ही वाला था, तभी एक मॉन्स्टर आकर उस लड़के पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। उसके बाद वेंसडे स्कूल से भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। इसी के साथ पहले एपिसोड की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।